किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। अपना बनाना चाहता हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा, अगर आप भी इस तरीके का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ट्यूटोरियल देखने को ज़रूर मिलेगा। और अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सभी मटेरियल और एचडी वीडियोज़ ईजिली मिल जाता है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, जल्दी से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। और वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा खराब लगा कमेंट जरूर करना, और कुछ भी अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का बहुत अच्छा मूड रहता है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको अलर्ट मोशन ओपन करना है, प्लस पे क्लिक करना है, 9:16 रेशियो सिलेक्ट करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑडियो ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, ऑडियो पे जाना है और आपको यहाँ पे ऑडियो ऐड कर लेना है, नहीं तो वीडियो से भी ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है, जो फर्स्ट लिरिक्स है, जो थॉट्स है, जो बोलता है, उस पॉइंट पे आपको आ जाना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है और फर्स्ट वर्ड आपको लिख लेना है, जो फर्स्ट थॉट है वो आपको लिख लेना है, इस तरीके से। उसके बाद लेफ्ट के कॉर्नर पे क्लिक करना है ताकि जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ जाए। फॉन्ट्स पे जाना है, लेमन मिल्क बोर्ड डिटेल एक फॉन्ट सेलेक्ट करना है। साइज पे जाना है, 24 PT कर लेना है। कलर पे जाना है, व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है, राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको कलर एंड फिल में जाना है, ग्रेडिएंट में जाना है, और आपको ब्लैक कलर को येलो कलर सेलेक्ट करना है और कलर डीप कर लेना है, इस तरीके से। इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सुन लेना है, जिस पॉइंट पे एंड होता है उस पॉइंट पे आ जाना है, बाकी पार्ट को रिमूव कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है, सेकंड लिरिक्स लिखना है, ठीक है। तो प्लस पे क्लिक करना है, लिरिक्स को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक करना है, कॉपी लेयर कर लेना है, ठीक है। सेकंड जो थॉट्स है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो इस पॉइंट पे आपको आ जाना है, प्लस पे क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देना है, ठीक है। उसके बाद सुन लेना है, जिस पॉइंट पे एंड होता है उस पॉइंट पे आ जाना है और टेक्स्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, इस तरीके से। उसके बाद फिर से टेक्स्ट पे जाना है, एडिट टेक्स्ट पे जाना है और आपका जो भी थॉट्स है आपको सिंपल से लिख लेना है। इस तरीके से आपको दो लाइन में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, फिर से आपको क्या करना है, जो आपको पेस्ट लेयर कर देना है, इस तरीके से, जहाँ पे स्टार्ट होता है आपका लिरिक्स और लिरिक्स सुनना है, जिस पॉइंट पे एंड होता है उस पॉइंट पे आ जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद लिरिक्स पे क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है और रिमूव करके जो भी आपका थॉट्स है आपको सिंपल से हेडफोन में सुन लेना है और आपको लिख लेना है। इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है, दो लाइन करके आपको लिख लेना है, बाकी आपको लिख लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑडियो माइक यूज़ कर रहा हूँ तो आपको मैं हेडफोन से सुन के नहीं दिखा सकता, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 13.30 सेकंड्स पे आ जाना है, ठीक है, इस सेकंड्स पे आपको आ जाना है और आपको यहाँ पे एक मार्क लगा देना है, ठीक है। मार्क लगा देने के बाद आपको यहाँ पे सामने जो भी आपका थॉट्स है आपको सिंपल से लिख लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एरो पे क्लिक करके इस पॉइंट पे आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और आपको एक इमेज आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ये वाला इमेज ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एंडिंग पॉइंट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना ताकि इमेज भी एंडिंग पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको कॉपी और पेस्ट करके सभी को लिख लेना है। लिख लेने के बाद आपको क्या करना है, पहले बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद प्रोजेक्ट पे जाना है, आपको एक XML मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको सिंपल से एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। तो ये वाला आपको यहाँ पे XML दिखाई देगा, यहाँ पे तीन इफेक्ट है, तो मैं आपको सिंपल से बता दूँ। फर्स्ट इफेक्ट आपको सिंपल से यहाँ पे इफेक्ट पे जाके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बैक आना है, फिर से न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाना है और अपने जो अभी थॉट्स लिखा था सिंपल से इस पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको सिंपल से पेस्ट कर देना है, इस तरीके से आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये फर्स्ट इफेक्ट है, तो यहाँ पे एरो पे देख सकते हैं 13.30 के जो पहले वाला जितना भी आप थॉट्स यूज़ करेंगे ना, तो इसमें ये वाला इफेक्ट आप यूज़ करना है, ठीक है। जो फर्स्ट इफेक्ट है ये वाला इफेक्ट आप यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से एरो पे क्लिक करना है, इस पॉइंट पे आ जाना है, उसके बाद इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है। इमेज पे भी आपको इफेक्ट देना है, ठीक है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, बैक आना है, फिर से इफेक्ट वाले XML पे चले जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा है, इमेज का इफेक्ट आपको सिंपल से कॉपी कर लेना है, बैक आना है, न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको इमेज पे ये वाला इफेक्ट सिंपल से पेस्ट कर देना है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मूव हो गया इमेज, ठीक है। उसके बाद आपका पहला जो टेक्स्ट का काम है ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो इफेक्ट है उसको हम यूज़ करेंगे,
तो जितना भी 13.30 के पहले जितना भी थॉट्स है आपको ये वाला इफेक्ट यूज़ करना है, ठीक है, ये वाला इफेक्ट यूज़ करना है। उसके बाद आपको एरो पे क्लिक करना है और सॉन्ग का जो लिरिक्स है आपको फर्स्ट सुन लेना है, और आपको क्या करना है, कंप्लीट एक लाइन नहीं लिख लेना है, एक दो वर्ड करके इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है और आपको यहाँ पे लिख लेना है, इस तरीके से फर्स्ट वर्ड लिख लेना है। लेफ्ट का कॉर्नर पे क्लिक करना है ताकि जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे जाए। फॉन्ट्स पे जाना है, लेमन मिल बोल्ड इटैलिक सिलेक्ट करना है और आपका साइज 24 पीटी कर लेना है। कलर पे जाना है, व्हाइट कलर सिलेक्ट करना है, राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है और आपको लिरिक्स को इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करना है। उसका सुन लेना है जिस पॉइंट पे एंड था उस पॉइंट पे आ जाना है, बाकी बात रिमूव कर देना है, ठीक है, इस तरीके से रिमूव कर देना है। उसके बाद फिर से क्या करना है, इस पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है, ठीक है। सेकंड वर्ड जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे आपको आ जाना है, सिंपल से प्लस पे क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देना है। सुन लेना है जिस पॉइंट पे एंड था उस पॉइंट पे आ जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपको सेकंड वाला जो लिरिक्स है इस पर क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म जाना है, आपको इस तरीके से नीचे यहाँ पे रखना है, ठीक है, इस जगह पे आपको यहाँ पे रखना है। बैक आना है, एडिट टेक्स्ट में आना है, रिमूव करके जो भी आपका लिरिक्स है आपको सिंपल से लिख लेना है, इस तरीके से। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट जो वर्ड है आपको सिंपल से यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से पेस्ट कर दिया। फिर से वो जो लिरिक्स पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म मैंने इसको इस बार आपको यहाँ पे नीचे रखना है, इस जगह पे रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है, रिमूव करके जो भी आपका लिरिक्स है आपको सिंपल से लिख लेना है। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट जो है आपको सिंपल से पेस्ट क्लियर कर देना है। इसके बाद एंडिंग पॉइंट पे जाना है, लिरिक्स को भी एंडिंग पॉइंट पे लेके आ जाना है, ठीक है। उसके बाद लिरिक्स पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म जाना है और आपको प्लेस चेंज कर देना, ठीक है। तो एक जगह पे नहीं रखना है, जगह चेंज कर देना, ठीक है। उसके बाद बैक आना है, एडिट टेक्स्ट में आना है और लिरिक्स आपको लिख लेना है, इस तरीके से राइट पे क्लिक कर देना, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो टेक्स्ट है आपको लिरिक्स पे इफेक्ट देना है, बैक आना है, एक्सएमएल वाले इफेक्ट में चले जाना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इफेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड इफेक्ट इसको सिंपल से कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेना है। बैक आना है, बैक आने के बाद सिंपल से क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है और बाकी जितना भी आपका इफेक्ट्स है, मतलब सॉरी इफेक्ट्स बोल रहा हूँ, जितना भी लिरिक्स है आपने इसमें ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से आपको पेस्ट करना है, आप तक देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके से। और बाकी यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करके ये वाला फर्स्ट इफेक्ट वाला आपको ऐड कर लेना है, हेडफोन पे सुन लेना है जो थॉट्स है आपको, थॉट्स के हिसाब से आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, आराम से आपको सुन के कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करना। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन कोई भी लाइक या कॉमेंट नहीं करते, तो कॉमेंट करा कीजिए, हमें भी अच्छा लगता है। और वीडियो को कोई भी अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर देना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।